नमस्कार, मैं मानवी अक्केवार स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी केबल समाचार में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिटी केबल समाचार व GTPL परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनके हाथों विविध जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। इंदिरा गांधी गार्डन स्कूल में युवा नेता राहुल पुगलिया के उपस्थिति में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा तथा बिल्ड ग्राफिक्स पेपर के संयुक्त तत्वाधान से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही रक्तदान महादान फाउंडेशन की ओर से रक्तदान जनजागृति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत में स्वतंत्रता दिवस सभी धर्म परंपरा और संस्कृति के लोग पूरी खुशी से एक साथ मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 से ही ये दिन हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन लगभग 200 साल बाद भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। इस आज़ादी के लिए भारत माता के अनेक सुपुत्रों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए। इस दिन पर इन वीरों की कुर्बानियों को याद किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस ये एक सार्वजनिक उत्सव है। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थल आदि जगहों पर आज तिरंगा लहराकर ध्वज वंदन किया जाता है। आज ही के दिन विभिन्न धर्म परंपरा और संस्कृति के लोग एक साथ आकर ये स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह से मनाते हैं। चंद्रपुर में भी बड़े उत्साह और खुशी के साथ विविध जगहों पर ध्वजारोपण कार्यक्रम सम्पन्न हुए। पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनके हाथों इंदिरा गांधी किसान मजदूर कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण कर ध्वज वंदन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने वाद्य बजाकर ध्वज वंदन किया, साथ ही उपस्थित मान्यवरों ने भी ध्वज वंदन किया। 15 अगस्त ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महात्मा गांधी इनके नेतृत्व में अहिंसा के मार्ग से देश को आजादी प्राप्त हुई थी। आजादी के बाद भी कांग्रेस के प्रयत्नों से देश विकास की ओर अग्रसर हुआ है, ऐसा मत नरेश बाबू पुगलिया ने इस अवसर पर व्यक्त किया। नरेश बाबू पुगलिया ने सैनिकों और पुलिस विभाग की सराहना की। देश के विकास के लिए देश में विविध जाति और समुदाय ने एकता कायम रखने का आह्वान नरेश बाबू पुगलिया ने इस अवसर पर किया तथा नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ध्वजारोहण पश्चात नरेश बाबू पुगलिया इनके हाथों कर्मवीर कन्नमवार वाचनालय तथा स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका और मार्गदर्शन केंद्र का उद्घाटन रिबिन काटकर किया गया। इस अवसर पर युवा नेता राहुल पुगलिया पर गजानन गावंडे, सुरेश महाकुलकर, देवेंद्र बेले, अशोक नागापुरे, वसंत मांडरे, नायर रामदास वागदारकर, गजानन दिवसे, वीरेंद्र आर्या, अनिल तुंगिडवार आदि मान्यवर उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा और बिल्ड ग्राफिक्स पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान से वृक्षारोपण कार्यक्रम लिया गया। पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनके प्रमुख उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इंदिरा गार्डन स्कूल, बालाजी वार्ड और इरई नदी के किनारे पर ये वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम अंतर्गत वड़, पीपल, नीम, नारियल के पेड़ बड़े पैमाने पर लगाए गए। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर चलता रहेगा, ऐसी जानकारी नरेश बाबू पुगलिया ने दी। अभी बता दो। हमारा से अलग लगाओ, तब लगाओ। हेलो रे। अच्छा पानी डालो। किलो पानी डालो। इधर देखो, इधर देखो। एक एक लगाओ। नहीं, वो आम मत लगाओ। का बेल का झाड़ बेले लगा रहा है। अरे कहाँ है? जाओ उधर कर लो। नारियल माथन का है क्या? शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इंदिरा गांधी किसान मजदूर कांग्रेस भवन में सुबह झंडा वंदन किया गया और झंडा वंदन के बाद कर्मवीर दादा साहब कन्नवार जो हमारी लाइब्रेरी चल रही थी उसमें अभ्यासिका का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन भी आज किया गया। वो अभ्यासिका के माध्यम से UPSC, MPSC और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए
जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बुक्स अवेलेबल है, बैठने की जगह अवेलेबल है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा हमारे यहाँ के नौजवान जो पढ़ाई के बाद UPSC MPSC के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा की गई है। ग्राम सेवक से लगा के IAS IPS तक की सभी किताबें, बैंकिंग की किताबें वहाँ उपलब्ध है, और उस लाइब्रेरी के इंचार्ज के रूप में राम शेट्टीवार जी, जो कि पिछले 35 साल से गवर्नमेंट सर्विस में लाइब्रेरी में थे और जिला प्रमुख के नाते उन्होंने 15 साल काम किया है, वो रिटायर्ड होने के बाद ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पे ली है। आज के 15 अगस्त के इस खुशी के मौके पर झंडा वंदन और बाद में अभ्यासिका का उद्घाटन ये बड़े धूमधाम से हुआ, और उसके बाद इंदिरा गांधी गार्डन स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया गया। बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा और बेल्ट ग्राफिक पेपर्स, इनके माध्यम से हर साल हम ट्री प्लांटेशन लेते हैं, तो इंदिरा गांधी गार्डन स्कूल में और बालाजी मंदिर के आगे जो खुला परिसर है इरे नदी के किनारे पर, वहाँ आज नारियल के पेड़, नीम के पेड़, पीपल और वड़ के झाड़ बड़े पैमाने पे लगाए गए हैं, और ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये पूरा सप्ताह हमारा चलेगा। इसके बाद दातारा गांव में और पोदार स्कूल के स्कूल में भी वृक्षारोपण करेंगे। बल्लारशाह में आइडियल स्कूल, बामनी में बालाजी हाई स्कूल और अन्य स्कूलों में भी ये सप्ताह में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, पेपर मिल मजदूर सभा और बिल्ड ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी की ओर से लिया गया है। आज के इस कार्यक्रम में सभी लोग बड़े पैमाने पर उपस्थित थे, सबको मैं बधाई देता हूँ, 15 अगस्त की बधाई देता हूँ, और ये स्वतंत्र दिन हमेशा इसी तरह हम बड़े खुशी से मनाएं और उसमें देश को आगे ले जाएं, यही मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।
का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। 1947 में 15 अगस्त को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के मार्ग से इस देश को आजादी प्राप्त हुई थी। आजादी के बाद पिछले 70 वर्षों में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल रहे, चाहे इंदिरा जी का कार्यकाल रहे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल रहे, राजीव गांधी जी का कार्यकाल रहे, देश प्रगति के पथ पर काफी आगे बढ़ा है। सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ में लेकर भिन्न भिन्न भाषाएं, अलग अलग राज्य और सबको केंद्र के माध्यम से एक साथ रखकर एक भाईचारे के साथ इस देश ने आगे कूच की है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस देश में जातिवादी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हावी होना चाहती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया है, उस संविधान के माध्यम से, राज्य घटना के माध्यम से ये देश, राज्य और हमारी ग्राम पंचायत से लगाकर पार्लियामेंट तक एक अच्छे प्रशासन के माध्यम से आगे बढ़ रही है। देश की सीमाओं पर हमारी फौजें देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है और शहरों के अंदर ग्रामीण भाग में हमारी पुलिस हमारी रक्षा कर रही है, जान माल की हिफाजत कर रही है। ऐसे वक्त में इस देश में जो पिछले 70 वर्ष में हमने जो प्रगति की है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहे, चाहे उद्योग का क्षेत्र रहे या कृषि का क्षेत्र रहे, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 2-3 सालों में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है और खास करके किसान को जो उसका उपज मूल्य मिलना चाहिए उसमें भारी गिरावट होने के नाते किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। राज्य की और देश के कई उद्योग बंद होते जा रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र राज्य में 12,000 से ज्यादा उद्योग इस राज्य में पिछले 2 साल में बंद हो चुके हैं। इसलिए बेकारी का संकट भी हमारे सामने है। इन सब संकटों का मुकाबला करने के लिए आपको और हमको सिद्ध रहना चाहिए और खास करके जिन स्वतंत्र सेनानियों ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमें और आपको आजाद कराया, देश को आजाद कराया है, इस आजादी को और मजबूत करने के लिए सभी जाति धर्मों में एकता बनाए रखने के लिए आपको और हमको मिलकर कोशिश करनी है। आज की खुशी के मौके पर मैं उपस्थित जन समुदाय को, शहर की और जिले की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि ये देश ऐसा ही प्रगति करते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर इनके हाथों विविध जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। चंद्रपुर औष्णिक विद्युत केंद्र में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के साथ हंसराज अहीर इन्होंने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर हंसराज अहीर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त ये एक राष्ट्रीय त्योहार है, हमको इसी दिन स्वतंत्रता मिली थी। देश के स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चले जाओ का नारा लगाया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक लोगों ने देश के स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। चले जाओ के नारे के बाद 5 साल में देश के हालात में काफी बदलाव आया।
उसी तरह भाजपा सरकार भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 साल में भारत में बड़ा बदलाव लाएगी। देश के सभी दलों के सैनिक, पुलिस आदि देश की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। इस कार्य में अनेकों ने अपने प्राण गंवाए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर पारितोषिक प्रदान किया गया। इस अवसर पर औष्णिक विद्युत केंद्र के प्रबंधन के मुख्य अभियंता J.H. बोबड़े, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडेंट विवेक सिंह, सहायक कमांडेंट SS मोहंती, महाजन को सुरक्षा वरिष्ठ प्रबंधक NR सत्तीवाले, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अन्य अधिकारी, सुरक्षा कर्मी आदि उपस्थित थे। आजादी का पर्व मना रही है, इसे फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम के लिए आयोजन में उपस्थित सम्माननीय यहाँ पर अपने अतिथि के रूप में आए हुए इसी प्लांट के मुख्य अभियंता इंचार्ज सम्माननीय बोबड़े जी, वैसे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी उप मुख्य अभियंता श्री दुबे जी, सम्माननीय हमारे CSF के अधिकारी डिप्टी कमांडर श्री विवेक सिंह जी, ऐसे ही सम्मान्य महंती जी और सभी यहाँ पर बैठे हुए CTPS के सभी वरिष्ठ अधिकारी और CISF के वरिष्ठ अधिकारी, सभी कर्मी और यहाँ पर आए हुए सभी मान्यवर हमारे राज्य समिति जिला के सदस्य, पूर्व सदस्य, सभी सम्मान्य भाई भारत माता के पुत्र, मैं शुभकामनाएं सबका काम कर रही। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता को कमिटमेंट किया हुआ है सुरक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर, ये आज का दिन उसके प्रेरणादायक सिद्ध होता है। यहाँ पर उन्होंने क्रांतिवीरों का भी उल्लेख करना उचित रहेगा। ये निश्चित ही हम 47वें देश की आजादी प्राप्त की थी, लेकिन इस वर्ष 1942 का जो चले जाओ का जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, सबसे 5 साल के बाद में देश को आजादी मिली थी। और अभी इस वर्ष हमने 75 वर्ष पूरे हुए 1942 चले जाओ के आंदोलन के बाद में, और 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं आजादी के पर्व को, 1947 15 अगस्त, ये 5 वर्षों के कार्यकाल में देश की लड़ाई हमने जीती ताकत से। और आज से 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री जी ने सूचना की है, देश को संदेश दिया है, विनती की है, ये 5 वर्ष में देश का चेहरा बदलेगा ताकत से, और देश सुरक्षित भी रहेगा और जनता को सुरक्षा देने का विकास के साथ में। ऐसे 5 वर्ष चलने वाले इस उपक्रम में आज हम आपके बीच में है, मेरे सामने आप लोग हैं जो देश की सुरक्षा में भी तैनाती आपकी होती है, आतंकियों के साथ में जूझने वाले, मुकाबला करने वाले जवान, जिनके उपस्थिति में हमने आज झंडा वंदन किया है, फ्लैग होस्टिंग हुआ है, हमने सभी ने यहाँ पे सलाह भी दी, प्रणाम किया है और सत्यम भी करें हम, और बड़े जीत के साथ में देश के विकास में हम सभी का समान योगदान रहेगा और बल चलकर हम काम करें, हम कहीं कम ना गिरे देश के निर्माण में और देश की सुरक्षा में, विकास में, रक्षा में। मैं CISF के जवान से मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि आप लोगों का काम कितना मजबूत और जिम्मेदारी का होता है, और बड़ा जान हाथे को लेकर आप कई बार अपनी क्रिया पद्धति से, कार्य पद्धति से कई जगह पर आपने देश को और जनता को सुरक्षित रखा है। आज हमारे कई जवान जो भी हमारे होम मिनिस्ट्री से आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ में हमारे मंत्री महोदय राजनाथ सिंह जी काम करते हैं, और पूरे देश में तैनाती जहां जहां हमारे सुरक्षा बल हैं, आर्मी के साथ में काम करते हैं, लोकल पुलिस के साथ में काम करते हैं, कई LWE में नक्सल एरिया में भी काम करते हैं, कश्मीर की भी अलगाववादियों के साथ में और दहशतवादी टेररिस्टों के साथ में मुकाबला करते समय हमने देश की रक्षा करते समय अनेकों ने बलिदान भी दिया है। इस मौके पर मैं जो शहीद होते हैं जवान, हमारे सुरक्षा बलों के भी होते हैं,
सेना के होते हैं, पुलिस होती है, सबके प्रति मैं सम्मान के साथ में आदरांजलि भी अर्पित करता हूँ। लेकिन हम सबके मिलने के बाद इस भावना को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी स्मारक हैं, जो स्थान है देश की आजादी में जिन्होंने योगदान दिया है, बलिदान दिया है, कारागर में अनेक वर्षों तक बिताए हैं, ऐसी हर जगह को अभी निर्माण होगा, उसकी स्थापना होगी, वहां से देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। इसलिए अभी जो पर्व मना रहे हैं हम, आजादी का पर्व, इसमें अंतर आ गया है। ये मैं नहीं कहता कि आजादी का पर्व हम पहली बार मना रहे हैं, बरसों से मनाते हैं, लेकिन आज के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनकी भावना यह है कि आजादी में जिन्होंने योगदान दिया है, लड़ाई में, उन सभी का परिचय आने वाली पीढ़ी को हो, ऐसे पर्व में हम आज सम्मिलित हैं। मैं सभी को शुभकामना देता हूं और ये पर्व, ये राष्ट्रीय त्योहार आजादी का पर्व हम निरंतर मनाते रहेंगे, अनादि काल तक इसको मनाना है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भारत देश बनाने के लिए और देश की रक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ और आप सब लोग आए हैं मेहमान लोग। हर वर्ष की तरह शहर स्थित बिनबा गेट पर भी केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर इनके हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपमहापौर अनिल फुलझेले, विधायक नाना श्याम कुड़े, राजू एले, इनायत भाई आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हंसराज अहीर ने कहा कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त होके 70 साल पूरे हुए है। हर साल बिनबा गेट पर ध्वजारोहण करने की परम्परा चली आ रही है, इसे आगे भी कायम रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी नागरिकों का हंसराज अहीर ने आभार माना तथा लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। हंसराज अहीर इनके हाथों बच्चों को मिठाई तथा नोटबुक वितरित किए गए। 70 वर्ष पूर्ण झाली, देशाला स्वातंत्र्य मिळो अशा या महान पर्वामध्ये आपण सहभागी आहात। हा दिवस राष्ट्रीय देव सण आहे। या राष्ट्रीय सणाच्या निमित्तानं सर्व आलेले नागरिकांनी देशभक्तीचा परिचय दिला, आपला राष्ट्रध्वजाला आज वंदन केलं, प्रणाम केला, सलामी दिली, अशा सर्व देशभक्तांचं या ठिकाणी मी स्वागतही करतो। या वाट्यातील सर्व मान्यवर, आपण गेल्या काही वर्षापासून या ठिकाणी त्या बिनबा गेटच्या वर आपण झेंडा वंदन करीत आहोत आणि फार चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी नागरिक सहभागी होत असतात। ही परंपरा आपल्याला चालू ठेवायचीच आहे, अजूनही आम्हाला सुधार करावं असे आमचे पूर्ण प्रयत्न असतातच। यावर्षी खूप चांगली सिस्टम या ठिकाणी झाली, काहीच लागले, अजूनही यामध्ये आपण जो सुधार करता येईल तो आजूबाजूला करू आणि चंद्रपूरचं एक चांगलं झेंडावंदन स्थळ हे बनत चाललेलं आहे। या वाटातील सर्व पदाधिकारी, आमचे राजविलेपासून तर सर्व आपल्या ताई, आपल्या वडेस्वस्ताई, अजून उमाताई, सर्व आमटे वगैरे सर्व मंडळी त्यामध्ये भाग घेतात आणि आपण सर्वजण विनायक भाई पण या ठिकाणी आले, आपले सुनील जी जे चर्चचे एक मोठे अधिकारी आहेत, मास्टर, अशा सर्वांनी उपस्थित या ठिकाणी कार्यक्रम भाग घेतला। मी सर्वांचे आभार मानतो आणि आजच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मी सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊ। हा दिन चिरही हो असं आपण सर्वांनी1857 के स्वतंत्रता लड़ाई में शहीद हुए वीर शहीद बाबूराव फुलेश्वर शर्मा के इनके चंद्रपुर कारागृह स्थित शहीद स्थल पर हंसराज अहीर इनके हाथों ध्वजारोहण किया गया।
इस अवसर पर विधायक नाना श्याम कुड़े, महापौर अंजलि घोटेकर, उप महापौर अनिल फुलझले, जिला कारागृह अधीक्षक डॉक्टर ढोले, विजय राहुत, राहुल सराफ, बंडू धोत्रे, महिला बाल कल्याण सभापति अनुराधा हजारे, गणेश गेड़ाम, अनिल शिडाम, दयालाल कन्नाके, तुलसीदास ताड़ाम, सुनील एरने, विट्ठल कुमरे, श्याम गेड़ाम, प्रफुल्ल मड़ावी आदि उपस्थित थे। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की या देशाची एकता, एकात्मता व अखंडता कायम ठेवण्यासाठी आपण प्रतिबद्ध आहोत। सर्व भारत वासियांचा संकल्प आहे की आपल्या शहरामध्ये शेवटचा रक्ताचा थेंब असेपर्यंत आपण सर्व आपलं आपण भारत मातेचं रक्षण करत आहोत। उपमहापौर सन्माननीय अनिल फुलझले जी, सरकारी आपल्या ज्यादा कार्यक्रम घेत आहोत बाजूला जेल आहे, जेलचे सन्माननीय अधीक्षक श्री ढोले साहेब आणि मान्यवर मी कार्यक्रमाचे आयोजन करणारे सर्व आदरणीय दयाला करण्यात केली, विद्यापूरचे सन्माननीय संचालक बंडू धोत्रे जी, हजारे, राहुल सराफ जी, आदिवासी कामामध्ये काम करणारे सन्मान्य गणेश गेडाम, सरकारी सन्मान्य धीरज शर्माजी, मान्यवर नगरपालिकेचे नगरसेवक आणि या परिसरातील रामोजी तिवारी, मुन्नाभाई कोलेजच्या सर्व जमानाचे व्यापारी, ते सर्वांचे नाव घेण्यामध्ये खूप होऊ शकेल हे सर्वांचा आदर करतो आणि या चांगल्या कार्यक्रम ज्या ठिकाणी आज आपण राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा करतो हा कार्यक्रम गेल्या वर्षीपासून आपण घेत आहोत अग्रानं घेत आहोत आणि जेणेकरून गेल्या वर्षी पण या ठिकाणी तिरंगाचा काही झेंडावंदन करून आणि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी या स्मारकाची दखल घेतली म्हणून या ठिकाणचं माझं कर्तव्य आहे, माझी निष्ठा आहे, मला ज्या ठिकाणी त्रास झाला काळचे ब्रिटिशांनी क्रांतिरी ज्यांना आपण आदिवासी नेत्यांमधला आहे युवक श्री बाबूराव फुलेश्वर
क्या गणेश जी यार आदिवासी नगर शिविर कौन है तुमची इधर से अच्छा आदिवासी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी गार्डन स्कूल में युवा नेता राहुल पुगलिया इनके हाथों ध्वजारोहण कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल में सर्वप्रथम ध्वजारोपण किया गया, इसके पश्चात स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम लिए गए। बच्चों ने कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर सहभाग लिया। बच्चों द्वारा वाद्यों का सादरीकरण तथा कवायद आदि किए गए। युवा नेता राहुल पुगलिया इनके हाथों बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। क्लब सेक्रेटरी एंड शी हैज बीन ऑनर्ड विद द बैच एंड शी विल बी ऑनर्ड विद द सैश। शी इज गोइंग टू गेट द सैश फ्रॉम ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर राहुल पुगलिया सर। थैंक यू दियो गडे। Please welcome her with a good applause. Mr. Vasantra, one race, sir, to honor her with a bat. Given to us. So help us God. For a beautiful start of the show, United Minds. They are the first winner from first group, Sangram Chauhan from first team. His topic is India, our. Our 71.
independence in this year 2017. On stay India got the bomb big school. So stay is celebrated as independent all over the country. Natural and to my country Hindi. My country has beaten tried for with enjoy train with activities. Many old places like temple, church, mosque, and Gurdwara. But my her topic is independence is the greatest gift for us. Here, Prachi. We have great pleasure in uniting this great pleasure in uniting Mr. Vasudev Vandre. Wonderful opportunity to convey my wishes in front of you all on transforming our youth population into a rich human resource. India, with 1.36 billion people, is the second most populous country in the world. India represents almost 17.85% of the world's total population, which means 1 out of every 6 people on this planet lives in India. Although the population serves as the point of reference from which all the geographic elements are observed and from which they all singly and collectively derive significance and meaning, but as the population has been increased on this big ground, the internal capacity of land to support this big population has become inadequate. The real resources of our country are its people. They are our human capital. India is bestowed with many natural resources, but to make the efficient utilization of these resources, it requires proper planning, which is possible only when its people work in a planned way. While India being the second most populous country in the world, its human resource is its own. Our youth population will be an asset for the country for a number of reasons. In growing market like India, there is a vast market and vast space for everyone. Then, more people means more economy. It is estimated. This is the Maths Club Secretary. This Maths Club, Param Gordon. And he has been given the sash for the Maths Club. Thank you, sir. Priyanka, she is getting from our Honorable Chief Guest, Mr. Abul Kumriya, sir. She is the Literary Club Secretary, and she has been honored with the badge, and she will be honored with the sash. She is going to get the sash from our Honorable Chief Guest, Mr. Abul Kumriya, sir. Thank you, Diyogade. Please welcome her with a good applause. Mr. Vasandra Vandre, sir, to honor her with a badge. Given to us. So help us God. Thank you.
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर में विविध समाज उपयोगी कार्यक्रम भी लिए गए। रक्तदान महादान फाउंडेशन की ओर से जटपुरा गेट पर रक्तदान जागृति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्त मनुष्य जीवन के लिए अत्यावश्यक है। रक्तदान पर लोगों में जागृति कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों में पुस्तिका बांटकर तथा स्लोगन द्वारा लोगों में रक्तदान पर जन जागृति लाई गई। विज्ञानाने जरी प्रगती केली असली तरी कृत्रिम रक्ताचा शोध लावू शकलेला नाही। अशा या गरजू रुग्णांना जेव्हा रक्त लागते तेव्हा खूप गरिबांची किंवा रुग्णांची धावपळ होते। अशा परिस्थितीत आज आमचं रक्तदान महादान फाउंडेशन जनजागृती अभियान संपूर्ण जिल्ह्यात जनजागृती अभियान करताना दिसत आहेत। आता लगेचच्या जिल्ह्यात गडचिरोली जिल्ह्यात पेटी आक्राम नामक युवकीचा बी पॉझिटिव्ह रक्तदान मिळाल्यामुळे जीव गमवावा लागला। अशी परिस्थिती आपल्या घरच्यावर यावं नाही आणि उद्या जाऊन असं मला किंवा कोणालाही रक्ताची कमतरता पडावं नाही याच्यासाठी आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात जनजागृती अभियान रक्तदान महादान फाउंडेशनच्या मार्फत जनजागृती अभियान राबवत आहोत। गरजूंना वेळोवेळी रक्त देत आहोत। अशा प्रकारे आमचं कार्य संपूर्ण 7 ते 8 जिल्ह्यात सुरू आहे। स्वातंत्र्य दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों को रक्तदान महादान फाउंडेशन की ओर से। और आज हम लोग इसलिए यहाँ पर है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि आज जो तकलीफ चंद्रपुर शहर में है, गढ़चिरौली हर जगह पर है ब्लड की, और ज़्यादातर लोगों को गैर समझ है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए कि लोगों को हम जागरूकता फैला पाए उसमें और सभी को हम लोग ब्लड प्रोवाइड कर सके इमरजेंसी के टाइम पर। शुक्रिया। लोगों को हम जन जागृत कर रहे हैं कि साल में 4 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर साल में 4 बार नहीं तो एटलीस्ट 1 बार आप कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि मैं विकलांग होकर भी रक्तदान करता हूँ, तो आप क्यों नहीं करते हो? शहर में चल रहे हलचल और खबरों के लिए सिटी केबल समाचार का न्यूज आप सभी दर्शक YouTube वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें YouTube पर सिटी केबल समाचार, और जुड़े रहने के लिए सिटी केबल समाचार का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों में आज इतना ही। रोज की तरह आपसे फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी केबल समाचार, खबर आपके शहर की। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।